आप देख रहे हैं ghamasan.com और मैं हूँ आपके साथ बागीशा। जब लेखक और लेखिकाएं लेखन लिखती है तो उनकी कला कुछ और ही होती है, लेकिन जब वे अपनी कहानियां और लेख लिखती है तब वे सबसे ज्यादा उसमें अपनी भावनाएं प्रकट करती है। उसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है देश और इंदौर की जानी मानी लेखिका और कहानीकार कविता वर्मा जी। सर मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह आपने अभी तक कितनी बुक्स लिखी है। मेरी अभी तक 3 पुस्तकें आ चुकी हैं। सबसे पहले मेरा एक कहानी संग्रह आया था परछाइयों के उजाले, उसके बाद मेरा एक उपन्यास भी आया है पिछले वर्ष छोटी गलियां के नाम से, और अभी मेरा तीसरा कहानी संग्रह आया है कछु अकत कहानी। इस तरह 3 किताबें मेरी आ चुकी हैं। अच्छा मैम, जैसे आप ज़्यादातर कौन कौन से विषयों पर पुस्तकें लिखती हैं, ज़्यादा फोकस कौन से विषय पर आपका होता है? देखिए मेरा फोकस ज़्यादातर सामाजिक विषयों पर होता है। सामाजिक विषयों में भी क्योंकि मैं स्त्री हूँ तो निश्चित रूप से मैंने वो दुनिया बहुत अच्छे से देखी है, स्त्रियों की भावनाएं, उनकी उपेक्षा, उनकी अपेक्षाएं, तो मेरे लेखन का विषय वही ज़्यादा रहता है। लेकिन उसके अलावा मैं काफ़ी यात्राएं करती हूँ, मुझे छोटे छोटे गाँव में लोग ग्रामीण जनजीवन को देखने का एक उत्सुकता होती है कि उनका जीवन कैसा है, उनके जीवन की दुश्वारियाँ क्या हैं, उनके जीवन में किस तरह की खुशियाँ हैं, तो वो सब चीज़ें भी मैं बहुत नज़दीक से देखती हूँ और फिर उनको अपनी कहानियों में उतारती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप बाहर यात्राएं करती हैं उसके ऊपर भी आप कई कहानियां लिखती हैं, आप क्या बिल्कुल डेप्थ में जाके भावनाएं कितनी आपकी प्रकट होती है? कुछ भावनाएं जैसे कई कहानियां होती है जिसमें भाव प्रकट होते हैं, तो ऐसे कौन कौन सी कहानियां हैं जिसमें आपने बहुत डेप्थ स्टडी की और कहानी लिखी है? हाँ ये तो सही है, मुझे कहानियों में आप देखेंगे जनरली 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक वो होते हैं जो परिवेश के चितेरे होते हैं, जो परिवेश को बहुत अच्छी तरह से चित्रित करते हैं कि अगर एक गांव है तो उसके पेड़, उसका चौपाल, उसकी कुएँ और नदी और इस तरह की चीज़ें। मुझे ज़्यादातर शौक है मानवीय भावनाओं को चित्रित करने का, एक व्यक्ति की किस तरह की भावनाएं होती हैं, वो उसे शारीरिक रूप से किस तरह से प्रकट करता है, उसके चेहरे पे आते जाते भाव, उसकी मुट्ठियों का भींचना, उसके पैरों का सिकोड़ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत सूक्ष्म अवलोकन करना होता है कि कोई व्यक्ति अगर इस मनस्थिति में है तो उसकी शारीरिक क्रियाएँ क्या होंगी, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो किस चीज़ को कैसे सोच रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें मुझे लिखना, इसको अपनी कहानियों में चित्रित करना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसा आपने बताया कि आप यात्रा करती हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, उसके ऊपर कहानियाँ लिखती हैं, तो क्या सोचती हैं आप कि इसी के ऊपर मुझे बनाना चाहिए, क्या सोच के? देखिए कहानियाँ लिखने का मेरा एक मकसद होता है, एक तो हम जहाँ भी यात्राएं कर रहे हैं तो उस परिवेश को, वहाँ के लोगों के जीवन को, उनके जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को अपने पाठकों के सामने लाना एक वो मेरा मकसद होता है। दूसरा मेरा मकसद होता है कि मैं इस चीज़ को जानूं कि हम अपने कंफर्ट लेवल, हम अपने कंफर्ट जोन में बहुत खुश हैं, सब कुछ है, लेकिन दूसरे लोग उनके लिए खुशियों के मायने क्या हैं, उनके लिए उनके दुख कैसे हैं, वो उससे कैसे उभरते हैं, उनके मानवीय संबंध, सामाजिक संबंध कैसे हैं, उस परिवेश के क्या उनको फ़ायदे हैं, उस परिवेश में क्या उनकी जीने की दिक्कतें हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने पाठकों के सामने लाना चाहती हूँ। जी मैम, इन दिनों सबसे बड़ा लेखन में एक हो रहा है स्त्री विमर्श को लेकर, क्या कहना है उसको लेकर आपका? देखिए स्त्री विमर्श शब्द जब आया तो वाकई ये एक बहुत अच्छी पहल थी लेखन में, जब महिलाओं को, महिलाओं के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया। शुरुआत निश्चित रूप से महिलाओं ने ही की, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी सारे पुरुष लेखक भी हैं जो स्त्रियों के मनोभावों को समझते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में स्त्री हमेशा से उपेक्षित रही है और उसकी छोटी छोटी खुशियाँ, उसके दुख, उसके कर्तव्यों की बात तो हमेशा होती है लेकिन उसके अधिकारों की बात हमने कभी नहीं की है। तो आज जब स्त्री विमर्श के विषय को लेकर जब कहानियाँ लिखी जा रही हैं तो दरअसल सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बताया जा रहा है कि उनके क्या अधिकार हैं, उनकी कैसी खुशियाँ हैं, उसे वो कैसे पा सकती हैं, बल्कि
दूसरे पुरुष समाज को भी ये बताया जा रहा है कि जिस चीज़ को आप अभी तक इग्नोर करते रहे हैं, जिसको आप स्त्रियों का कर्तव्य समझ के नज़रअंदाज करते रहे हैं, वो स्त्री भी एक इंसान है और उसे एक इंसान की तरह से जीने का हक है। उसके लिए भी छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं और अगर वो खुश रहेगी तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी खुशहाल होगा। तो अब कहानियों में ये छोटी छोटी खुशियाँ, ये छोटी छोटी बातें जो स्त्रियों के जीवन से जुड़ी हुई हैं अब सामने आ रही हैं और इससे निश्चित रूप से स्त्रियों की स्थिति में कुछ तो सुधार आया है। मैम आगे आपकी कौन कौन सी कहानियाँ आने वाली है स्पेशली जो है? कहानियाँ तो देखिए मेरे दिमाग में हमेशा ही चलती रहती हैं, लेकिन हाँ अभी तुरंत मैं मुझे मेरी 3-4 कहानियाँ अभी प्लॉट चल रहे हैं और उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी उसे लिखूँगी और कुछ तो उसमें बहुत छोटे गाँव की कहानियाँ भी हैं, कुछ स्त्रियों से संबंधित कहानियाँ भी हैं। तो कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ देखती हूँ उसे लिख सकूँ और अपने पाठकों तक पहुँचा सकूँ। जी मैम, मेरा सबसे लास्ट आपसे क्वेश्चन है कि कहानी का महत्व क्या होता है, वो आप हमारे दर्शक को 4 शब्दों में बताइए। सबसे बड़ी चीज़, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये कि हम कई बार ये समझ ही नहीं पाते कि कहानी लोग लिखते क्यों हैं, कहानियों से होता क्या है। देखिए कहानी हो, लेख हो या कविताएं हो, इनका सबका एक मकसद है कि वो लोगों में संवेदना जगाती है। तो जब तक अभी क्या हो रहा है कि हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जो संवेदन शून्य होता जा रहा है, हमें किसी के दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, हम अपने आप में मस्त रहते हैं, आत्म केंद्रित हो गए हैं और इसी वजह से जो हमारे आसपास के लोगों की हमसे अपेक्षाएं होती हैं हम उसे कभी पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके सुख दुख में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो कम से कम साहित्य आज ये काम कर रहा है कि लोगों को संवेदनशील बना रहा है और जब निश्चित रूप से जब समाज के लोग संवेदनशील होंगे तो एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे की खुशी और दुख को महसूस करेंगे और एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। जी वाकई मैम आपने बहुत सही कहा, कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक जागरूक शब्द कह सकते हैं। तो ऐसे शख्सियत से हम आपको हर रोज मिलाते रहेंगे, आप देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।